अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हिंदी सुगम भारती इयत्ता पांचवी, पाठ नंबर 3 है विचित्र आदमी। यह एक कहानी है, बड़ी ही मज़ेदार कहानी है, आपको पढ़ने के बाद ज़रूर मज़ा आएगा। तो देखिए, एक आदमी कहीं जा रहा था, वह रास्ता भूल गया। उसने किसी दूसरे आदमी से रास्ता पूछा। दूसरे आदमी ने बताया, नदी किनारे जो पेड़ है उसके ऊपर के रास्ते से चले जाओ। आदमी विचित्र था, वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसके बोझ से पेड़ की डाल झुक गई। किसी तरह हाथों से डाल पकड़कर वह लटक गया। उसी समय एक अन्य आदमी घोड़े पर बैठा नदी पार कर रहा था। लटके हुए आदमी ने उसे पुकारा, कृपा करके आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं नदी में गिर जाऊंगा। घुड़सवार दयालु था, वह घोड़े को लेकर पेड़ के नीचे आया और अपने हाथों से उसके पैर पकड़ लिए। लेकिन उसी क्षण घोड़ा आगे चल पड़ा। बेचारा घुड़सवार भी उसके पैर पकड़े हुए लटक गया। यह देखकर उस विचित्र आदमी ने घुड़सवार से कहा, इस प्रकार लटके लटके तो हम दोनों नदी में गिर जाएंगे। यदि तुम गाना जानते हो तो कोई गीत गाना शुरू कर दो, शायद गाने की आवाज़ सुनकर कोई यहाँ आ जाए और हमें बचा ले। घुड़सवार गाना जानता था, उसने गाना शुरू कर दिया। गीत बहुत अच्छा था। गाने पर ताली बजाने के लिए विचित्र आदमी ने अपने हाथों से पकड़ी डाल छोड़ दी। ताली तो क्या बजती, वे दोनों उसी समय नदी में गिर गए। क्यों आया ना मज़ा पढ़ने के बाद। इस पाठ को लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। तो देखिए, अभी कहानी को समझने का प्रयास कीजिए। एक आदमी था जो कहीं जा रहा था। ये देखिए चित्र में एक आदमी दिखाई दे रहा है, वह कहीं जा रहा था तो जाते जाते वो रास्ता भूल गया। उसको रास्ता याद नहीं आ रहा था कि उसको कहाँ जाना है। तो उसने एक अन्य आदमी से, अन्य यानी इस दूसरे आदमी से पता पूछा। तो उस दूसरे आदमी ने उसे क्या कहा कि नदी किनारे जो पेड़ है, क्या कहा देखिए, ध्यान दीजिए, नदी किनारे जो पेड़ है उसके ऊपर के रास्ते से चले जाओ। यानी पेड़ के आगे थोड़ा और एक रास्ता है, उस रास्ते से चले जाओ। लेकिन यह आदमी क्या समझ गया, पेड़ के ऊपर ही रास्ता है, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ जाता है। तो आदमी विचित्र था। अब देखो, विचित्र का मतलब होता है अजीब या अजब जिसे कहेंगे। तो उसने जैसा ही सुना कि उसके ऊपर के रास्ते से, उस पेड़ के ऊपर के रास्ते से चले जाओ, तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब जैसे ही वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, उसके बोझ से पेड़ की डाल झुक गई। बोझ से यानी उसके वजन से क्या हो गया, पेड़ की शाख, पेड़ की डाल नीचे आ गई, झुक गई। फिर किसी तरह से उसने क्या कर लिया, अपने दोनों हाथों से पेड़ की डाल को वह पकड़कर लटक गया। अब उसके बाद क्या होता है, उसी समय एक अन्य आदमी घोड़े पर सवार होकर या घोड़े पर बैठा वह नदी पार कर रहा था। ये देखो, घोड़ा और यहाँ पर नदी है, वह नदी पार कर रहा था। तो उस आदमी ने उस घुड़सवार को देख लिया और उसको पुकारा। पुकार के क्या कहा, कृपा करके, कृपा, कृपा का मतलब होता है मेहरबानी करके आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं नदी में गिर जाऊंगा। अब वह घुड़सवार जो घोड़े पर बैठा हुआ था, वह कैसा था, वो बहुत दयालु था,
दयावान था, रहम दिल था। तो उसने क्या किया, वो घोड़े को लेकर पेड़ के यहाँ पर इस तरह से पेड़ के नीचे आ गया ताकि वह उस आदमी को बचा सके। वह कहाँ पर आ गया, पेड़ के नीचे आ गया घोड़े को लेकर, और अपने हाथों से उसके पैरों को पकड़ लिया। लेकिन उसी क्षण घोड़ा आगे चल पड़ा। जैसे ही घोड़े से बैठकर उसने क्या किया, उस लटके हुए विचित्र आदमी के पैर पकड़ लिए, तो घोड़ा उसी क्षण यानी उसी समय उसी पल घोड़ा उसके पैर से निकलकर आगे निकल गया। तो इस तरह अब वह दोनों भी पेड़ को पकड़े हुए क्या हो गए, इस तरह से लटक गए। अब आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अरे बच्चों, अब हम देखेंगे आगे की कहानी में क्या होता है। हमने देखा था कि घुड़सवार आता है और घोड़ा उसके पैर से निकलकर चला जाता है और घुड़सवार विचित्र आदमी के पैर पकड़कर लटक जाता है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब यह देखकर उस विचित्र आदमी ने घुड़सवार से कहा, क्या देखकर कि वो भी उसके पैर को पकड़कर लटक गया है, इसलिए विचित्र आदमी ने उस घुड़सवार से कहा, क्या कहा, इस प्रकार लटके लटके तो हम दोनों नदी में गिर जाएंगे, यदि तुम गाना जानते हो तो कोई गीत गाना शुरू कर दो, शायद गाने की आवाज़ सुनकर कोई यहाँ आ जाए और हमें बचा ले। अब क्या कहता है वो उससे कि तुम्हें अगर गाना गाना आता हो, गाना तुम जानते हो, तो कोई एक गीत कोई एक गाना गा दो ताकि हमारे गाने की आवाज़ सुनकर यहाँ कोई पहुँच जाए और हमें गिरने से बचा ले। अब मज़ेदार बात यह थी कि घुड़सवार गाना जानता था और उसने गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और उसने गीत बहुत अच्छी तरह से गाया, उसका गीत बहुत अच्छा था। तो गाने पर अब ताली बजाने वाला कोई नहीं था, तो अब वो आदमी था विचित्र, इसलिए जैसे ही गाना ख़त्म हुआ उसने ताली बजाने के लिए क्या कर दिए, अपने दोनों हाथों से पकड़ी डाल को छोड़ दी। जैसे ही डाल को छोड़ा तो क्या होगा, आपको तो पता ही है ना, ताली तो बजी नहीं और दोनों मिलकर कहाँ गिर पड़े, नदी में गिर पड़े। तो देखो बच्चों, कितनी मजाहिया कहानी थी कि नहीं। इसी उस आदमी को विचित्र क्यों कहा गया है, क्योंकि एक तो पहली गलती उसने क्या की थी, ऊपर पेड़ के किनारे के ऊपर वाले रास्ते से चले जाओ, तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। और दूसरी गलती उसने क्या की थी कि जब घुड़सवार ने गाना गाया तो उसे ताली नहीं बजाना चाहिए था और उसने ताली बजाई, इसलिए दोनों पानी में गिर गए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर शब्दों की अंताक्षरी दी गई है, उसे आप अपने माता पिता अपने मित्रों के संग खेलिए। जैसे कि आप गाने की अंताक्षरी खेलते हैं ना, गाने के आखिर में जो शब्द या जो अक्षर बच जाता है उससे आप क्या करते हैं, गाना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर शब्दों की अंताक्षरी दी हुई है, तो उसे देखिए, तोता, ता, ताली, ल, लहर, र, रजनी, न, नदी, द, दीपा, प, पौधा, ध, धान, न, नटखट, ट, टमाटर, र, राजा, ज, जीवन, न, नाम, म, मछली, ल, लड़की, क, कोयल, ल, लोटा, ट, टोकरी, री, इस तरह से, र, रेल, ल, लड़का, हाँ, इस तरह से आप आगे की अंताक्षरी आप खेलेंगे। इस कहानी को अच्छी तरह से पाठ कर लीजिए।